بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my dear students. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام جيتے رہیے خوش ہوئیے. जुनेद नईम साहब, आप मुस्तकिल कुछ दिनों से अपनी आईडी प्रॉपर लिख के नहीं आ रहे. आप चेक करें, आपने अपने आईडी में क्या मिस्टेक की है, जरा चेक करें प्लीज. अभी इंशाल्लाह तेज आनी शुरू हो जाएगी आवाज, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता रिदम बनता है, आपको पता है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आवाज तेज आएगी. ओके, सो यस्टरडे वी स्टार्ट कैश पेटी कैश बुक. And I hope that most of the students have attempted the petty cash book. Okay. Walaikum Assalam Aisha. Students, I think first we discuss the question which I showed you yesterday, and that was question number two of the book. No, question number one. Yes, question number one. ठीक है, अच्छा. अब question number one में, yes, question number two homework था, right? ठीक है, अच्छा देखो. क्वेश्चन नंबर वन में जो पॉइंट्स लिखे हुए थे, आपने उन पॉइंट्स को पेटी कैश बुक में जब लिखा तो यकीनन इनकी कॉलम प्लेसिंग करते हुए आपने एक लम्हे के लिए सोचा होगा. ऐसा भी नहीं कि आपने डायरेक्ट अमाउंट लिख दी, आपने हर एक्सपेंडिचर, हर एक्सपेंस की पेमेंट को जज किया कि वो कौन से हेड से बिलोंग करती है. जी प्लीज. तो अब जैसे मिसाल के तौर पर यस्टरडे हमने कहा कि पोस्टेज एंड स्टैम्प्स का खर्चा जो है वो पोस्टेज एंड टेलीग्राम के हेड में जाएगा. इसी तरह और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस के नाम थे, बट टाइम लिमिट की वजह से हम उन्हें डिस्कस नहीं कर सके. ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी उन खर्चों के नाम पढ़ते हैं और कौन सा खर्चा किस हेड से बिलोंग कर रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर टू जो आपने अटेम्प्ट किया है उसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज, और आज नहीं तो कल मैक्सिमम इंशाल्लाह. अब पता नहीं कल क्लास होती है नहीं, क्योंकि आज दो यूनिट मिल गए हैं, तो आई थिंक आज हमारा जो है ये टॉपिक ख़त्म हो जाना चाहिए. कोशिश यही होगी इंशाल्लाह मेरी. बाकी आपके रिस्पॉन्स पड़ेंगे, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक को इंशाल्लाह आज खत्म करें. अच्छा, अब इस टॉपिक में बचा क्या है? वैसे हमें सिर्फ एंट्रीज बनाना सीखनी है. वी नीड टू डिस्कस जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस टॉपिक, राइट? अच्छा, आवाज़ जो है आप लोगों को स्लो आ रही है मेरी, इससे ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा तो भाई बाहर जाएगी आवाज़. अच्छा चलो, और करीब हो जाता हूँ भाई, एक मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ. आवाज़ जो है, आवाज़ मेरे मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है, देखें, आई थिंक इनफ है ये. जी बिल्कुल. तो आप लोग जो है वो कोई हैंड फ्री वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉपर स्पीकर है आपके पास, तो आई थिंक आनी चाहिए, इतनी भी स्लो नहीं है. मैं एक बार फिर इसको वो करता हूँ, रुकें. जी जनाब, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देखें, कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज़ ठीक है. ओके, तो चलें, ये मुझे बताइए कि फिर 5 नवंबर को हमने अगेन पेमेंट की फॉर टेलीग्राम एक्सपेंस, तो हमने इस पेमेंट को टेलीग्राम एक्सपेंस की पेटी कैश बुक में लिखा जाके पर्टिकुलर्स में पेड फॉर टेलीग्राम और टेलीग्राम. ठीक है,
ट्वीट फॉर टेलीग्राम लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स में। पर्टिकुलर्स में थोड़ी सी आप डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर्स इज बेसिकली डिस्क्रिप्शन, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिख सकते हैं कि पेमेंट फॉर टेलीग्राम, पेड फॉर टेलीग्राम, राइट। अच्छा तो मायरा आप एब्सेंट थी, मैं आप लोगों को अटेंडेंस जरा दिखा दूँ। यस्टरडे मायरा आप प्रेजेंट थी क्लास में, ऑन टाइम थी आप क्लास, मॉर्निंग में थी ना आप लोगों की क्लास, आप लोगों की क्लास तो यस्टरडे मॉर्निंग में थी। ये देख लीजिए यस्टरडे, मायरा यस्टरडे आप एब्सेंट थी, अटेंडेंस के टाइम आपने अटेंडेंस मार्क नहीं किए। अटेंडेंस जिस वक्त मैंने कॉल किया उस वक्त आपका कोई मैसेज नहीं है मेरे पास, आप जो है फिर क्लास से फ्री होकर मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको चैट दिखा दूंगा, ठीक है बेटा। और मेक श्योर कर लेंगे कि अगर मेरे एंड से कोई मिस्टेक हो रही है तो हम उसको करेक्ट कर लें, राइट, ठीक है, डोंट वरी। हाँ तो मैं यही आपसे कर रहा हूँ, आपसे आप परेशान नहीं हो, आप मुझसे क्लास के बाद डिस्कस कर लें तो इंशाल्लाह जो है हम उसको देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक। अच्छा इसके अलावा भी देखें ना आप, जो पुराना एक्सपीरियंस है वो भी कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा ना मुझे, तो ये 5 सितंबर की अटेंडेंस, तलाल बिन आमिर, छोड़ें सर अभी अटेंडेंस के ऊपर बात नहीं करनी मुझे, मैंने सिर्फ ये मायरा को इसलिए बोला है कि मायरा जो है ना मुझे क्लास में नज़र तो आती हैं लेकिन अटेंडेंस के वक्त नहीं थी कल। इसी तरह मनाहिर भी मुझे क्लास में नज़र आती हैं, सैयदा मनाहिर, और अभी भी नज़र आ रही हैं लेकिन मैसेजेस नहीं आते ना, तो इसलिए मैंने बता दिया कि भाई अटेंडेंस में, क्योंकि अटेंडेंस के वक्त आपको मेरे पास मैसेज नहीं है, ठीक है। तो सर नहीं, मैंने कल यस सर मैसेज किया था कल अटेंडेंस के वक्त, दोबारा कहिएगा प्लीज। कल मैंने सर अटेंडेंस के वक्त यस सर मैसेज किया था। हाँ तो मैं चेक कर लूँगा, डोंट वरी, आप दोबारा मेरे साथ एक मीटिंग में आ जाइएगा छोटी सी, 1:15 पे ऑफ होगा ना, तो 1:15 पे आप दोनों मैसेज करके आ जाएं मेरे पास, ठीक है, या शाम को रख लेते हैं और मैं आप लोगों को अटेंडेंस दिखा दूँगा, मायरा को भी और आपको भी, ठीक है, दोनों को एक साथ ले लूँगा मैं और आप बता दीजिएगा मुझे, हम चेक कर लेंगे अटेंडेंस आपकी। आपने यस सर भेजा था तो वो आपके पास से डेफिनेटली आपने उसको लिखा होगा, सेंड किया होगा, बट मेरे पास अटेंडेंस में नहीं है वो। और जो मेरे वॉलेंटियर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आप भी क्लास में मौजूद हैं, और मैं खुद कह रहा हूँ कि आप क्लास में मौजूद होती हैं, मैं देख रहा हूँ स्टिल आप हैं, और अभी आपका मैसेज जो है मेरे पास आया है लेकिन अटेंडेंस के वक्त नहीं आया, ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे इसको कि अटेंडेंस में जब यस यस सर सब लिख रहे थे तो आपके मैसेज उस वक्त क्यों नहीं आया, और पूरी चैट में आपका मैसेज है या नहीं, ठीक है। चलो तो बस ये दो लोगों को मैंने इसलिए बताया कि मायरा भी मुझे क्लास में नज़र आती है, ठीक है। अच्छा फलक तो कल एब्सेंट थी, फलक तो आई होप उसको एक्सेप्ट करेंगी कि वो यस्टरडे एब्सेंट थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी फलक सर, मैं कल लीविंग सर्टिफिकेट लेने गई हुई थी स्कूल अपने। हाँ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं तो सिर्फ ये मायरा को और जनाब मनाहिल, सैयदा मनाहिल आसिम को बता रहा था, और इसके अलावा ये चंद लोग हैं जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर देखें अगर, तो शीजा अजहर और इसी तरह मोहम्मद शहीद जो हैं, ये कंटिन्यूसली ये लोग जो हैं ऑफ है, इन लोगों का क्लास पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अल्लाह खैर करे, तो मैं इनको देखता हूँ, ट्रेस करते हैं और इनसे कुछ बात करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा मशहूद आपकी भी अटेंडेंस नहीं है मेरे पास, ठीक है, सिर्फ दो मैसेज हैं आपके टोटल पूरी चैट में, तो आप दो तीन लोग जिन लोगों को अटेंडेंस के ऊपर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो ज़रूर, और आप देख लें मशहूद ये आप कंटिन्यूसली एब्सेंट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तीनों दिन 7, 8 और 9 को आ रहे हैं, ठीक है। तो तीन लोग हो गए, मायरा मशहूद के बारे में भी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो मैंने कहा मैं डिस्कस कर लूँ, और मायरा हो गई, सैयदा मनाहिल हो गई, और जनाब मशहूद साहब हो गए, राइट। ओके बच्चों अब हम क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं अपने जहाँ पे हमने लेफ्ट किया। इन पेमेंट्स को हम प्रॉपर हेड में लिख रहे हैं, जी अब सही आएगी इंशाल्लाह, परेशान नहीं है। अच्छा बच्चों तो आ रही है ना प्रॉपर आवाज़, ठीक है। तो देखो
इसके बाद था पेड डोनेशंस। तो डोनेशंस जो होते हैं, ऑल्दो ये बिजनेस का एक्सपेंस है, बट क्या डोनेशंस डेली बेसिस पे दिए जाते हैं? क्या ये डेली बेसिस पे होने वाला एक्सपेंस है? नहीं। तो इसीलिए हाँ, अगर वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करे कि डोनेशन का एक कॉलम है और आपके बोर्ड में तो वो फॉर्मेट बना के देता है, अगर वो यहाँ डोनेशन का कॉलम बना दे तो आप डोनेशन के कॉलम में लिख दो, बट अगर कॉलम नहीं है तो फिर आप इसे मेसेलेनियस या सन्ड्रीज के कॉलम में लिखोगे, राइट? ओके, वापस चलते हैं ऊपर और हम देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारे पास पेड ऑटो रिक्शा फेयर। ठीक है, ऑटो रिक्शा फेयर कहाँ जाना चाहिए? प्लीज लिख के भेजें मुझे सब लोग जल्दी से, कम ऑन। ऑटो रिक्शा फेयर जो है वो कहाँ जाएगा, कौन से हेड से बिलोंग करेगा? अच्छा जनाब, मेजॉरिटी कह रही है कन्वेंस, बट अबीहा ने कहा कार्टेज। अबीहा, क्या आप मुझे कार्टेज को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, कार्टेज क्या होता है? अबीहा प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ कार्टेज? नहीं सर, वो गलती से लिख दिया, कन्वेंस ही लिखना था। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, चलें ठीक है। वैसे कार्टेज कन्वेंस मिलते जुलते लफ्ज तो नहीं है, लेकिन चलें, गलती इंसानों से होती है। इट्स ओके बेटा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, तो आई होप आप सब ने ऑटो रिक्शा फेयर को कहाँ लिखा होगा, कन्वेंस में, और हम इसे चेक कर लेते हैं वंस। ऑटो रिक्शा फेयर 360 और कन्वेंस के कॉलम में अमाउंट आ गई। अच्छा इसके बाद मेरे बच्चों, पेड फॉर टी एंड स्नैक्स, तो आपने इसको कहाँ लिखा जनाब? अच्छा तो ये एक स्पेसिफिक ग्रुप है लोगों का जो मुझे रिप्लाई करता है, बाकी लोगों ने तय किया हुआ है कि उन्होंने रिप्लाई नहीं करना, ऐसा ही है ना? मैं फिर नाम लूंगा तो फिर आप रिप्लाई करेंगे, फिर आपकी चैट मेरे पास होती नहीं है। ठीक है, अभी मायरा ने, सैयदा मनाहिल ने, मशहूद ने अटेंडेंस के ऊपर तो फ़ौरन इशू उठा लिया, लेकिन अभी जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें जवाब कोई नहीं दे रहा मुझे। कन्वेंस लिख के भेजा आप लोगों ने मुझे तीनों में, आपने मुझे ओके बेटा फातिमा, टेक केयर बेटा, बैठ गए सुन। ओके तो आप तीनों पार्टिसिपेट तो करने रहे क्लास में, तो फिर आप अपने आप को एब्सेंट खुद ही समझ लिया करें अटेंडेंस को। नहीं नहीं, बात सब सुन रहे हैं बेटा, आप अनोखे नहीं सुन रहे मेरा बच्चा, बात सारे बच्चे मेरी सुन रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर आप अपने आप को एब्सेंट समझ लिया करें, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दो राय नहीं है किसी किस्म की। मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मैं आपको एब्सेंट मार्क करूंगा जी। हाँ तो क्या समझ में नहीं आया था? सैयदा मनाहिल पूछेगा कौन, जब समझ में नहीं आया तो पूछना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके एंड पर तो आपकी है ना, अब आ गया समझ? अच्छा ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में नहीं आए थे, ऑटो रिक्शा फेयर भी आपकी समझ में नहीं आया, चलें ठीक है। टी एंड स्नैक्स का जवाब भी नहीं दे सकते आप, बताइए टी एंड स्नैक्स के ऊपर भी कन्फ्यूजन है, इसको एंटरटेनमेंट कहते हुए कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए क्या? ये तो सिंपल टी एंड स्नैक्स जो है वो एंटरटेनमेंट में जाना चाहिए, बट इस पर भी आप लोगों का रिप्लाई नहीं आया। चलें बहरहाल, मुझे पता है कि आप लोगों में से कितने लोग जो हैं इंटरेक्टिव हैं, कितने लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं और कितने नहीं दे रहे। इसके बाद कहता है पेड फॉर टाइपिंग रिबन एंड रजिस्टर्स। अच्छा ये टाइपिंग रिबन ज़रा थोड़ी सी पुरानी बातें हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है अब जब आपके बोर्ड में आता है तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज बहुत कम होती हैं, बट ये हैं, एग्जिस्ट करती हैं। टाइपिंग रिबन्स क्या होते हैं बेसिकली, सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत सिंपल सा एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जो टाइपराइटर होते हैं ना, ठीक है, जैसे प्रिंटर में रिबन होती है, एग्जैक्टली टाइपराइटर में टाइपिंग रिबन होती थी, ठीक है, तो जैसे आजकल प्रिंटर में कार्ट्रेजेस लगते हैं, ठीक, तो इसी तरह लगते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। तो हमने टाइपिंग रिबन्स खरीदे और रजिस्टर्स खरीदे, ठीक है, तो इस खर्चे को कहाँ डालना चाहिए भाई, कौन से हेड में? अगर आप हेड डिसाइड करने में कन्फ्यूज हैं और आपके पास यहाँ हेड गिवन है, तो फिर आप उसमें से डिसाइड कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ने मुझे लिख के भेजा स्टेशनरी, अब्दुल मोइस साहब ने लिख के भेजा पोस्टेज एंड टेलीग्राम में भी। सर ज़रा अनम्यूट कर लें और बताइए कि ये टाइपिंग रिबन एंड रजिस्टर्स जो हैं, आपका रजिस्टर्स से क्या मुराद है, आपको क्या लग रहा है रजिस्टर्स से
टाइपिंग रिबन मैंने आपको बता दिया कि आपके जो है वो कहाँ यूज होंगे टाइपिंग रिबन्स। अब्दुल मोइस आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। फरमाइए। आप इसको कह रहे हैं कि ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम में जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम थोड़ा सा पहले आप डिफाइन करते हैं क्या होता है। ज़हरा आपका माइक बेटा बार बार अनम्यूट हो रहा है, खैरियत है? जी अब्दुल मोइस साहब प्लीज। सर वो स्टेशनरी का ऑप्शन नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ पोस्टेज एंड टेलीग्राम को अब आप डिफाइन। देखा नहीं था। अरे भाई आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ठीक है ना, गलती हो गई, कोई बात नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ पोस्टेज एंड टेलीग्राम को डिफाइन कर। जी अब्दुल मोइस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ पोस्टेज एंड टेलीग्राम? अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। जी अब्दुल मोइस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा पोस्टेज एंड टेलीग्राम से आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा जो ईमेल वगैरह भेजते हैं पोस्टेज वो जो प्रिंटिंग होती है। एंड टेलीग्राम प्रिंटिंग होती है। यस्टरडे यू वर प्रेजेंट और नॉट? अब्दुल मोइस आप क्लास में यस सर। उसके बावजूद आपको आइडिया नहीं है? अच्छा चलें कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, परेशान नहीं हो, लेकिन प्लीज ना थोड़ा सा जरा फोकस करें मेरी बात पे, तो फिर फायदा होगा सुनने का। फोकस नहीं करोगे ना तो बेटा फिर फायदा नहीं है। देखो कल मैं बता चुका हूँ, जब मैंने आपको ये पहला वर्ड बताया था ना पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, मैंने उसी वक्त बताया था कि पोस्टेज बेसिकली टेलीग्राम है। और ये मैंने इससे पहले कब बताया था? जब मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करवा रहा था ये कॉलम्स, याद करें, ये मैंने पोस्टेज का कॉलम बताया था। इस पोस्टेज इज जस्ट लाइक कोरियर बताया था ना, लेकिन आप भूल गए। अब्दुल मोइज आप अनम्यूट कर लीजिए माइक को। म्यूट क्यों कर रहे हैं बार बार, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यस सर। मेरी बात समझ आ रही है सर? जी सर। प्रिंटिंग जो होती है ना सर, प्रिंटिंग का काम जो है वो स्टेशनरी में आता है। प्रिंटिंग होती है प्रिंटर के जरिए, ठीक है? तो प्रिंटर में लगते हैं कार्ट्रेजेस, उसके लिए आप कार्ट्रेजेस खरीदते हैं। आइदर आप जो है वो प्रिंटिंग कर रहे हो टाइपराइटर के जरिए, टाइपराइटर के जरिए आप एक लेटर प्रिंट कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो उसके लिए आपके पास टाइपिंग रिबन्स होने चाहिए। तो इसी तरह रजिस्टर्स जो होते हैं, अच्छा ठीक है अब्दुल्ला शाहिद साहब, ठीक है नेट चला गया तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो अल्लाह मालिक है, देखते हैं। चलें तो पोस्टेज जो है अब्दुल मोइस अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, वरना मैं उसको दोबारा डिफाइन कर दूँ। यस सर। पोस्टेज एंड टेलीग्राम बेसिकली क्या है कि आप जो है वो कोरियर और इस तरह से जो पैसे भिजवाने का एक तरीका होता था, क्योंकि अब तो दौर जदीद है और आजकल के दौर में जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग है, पैसे आप भिजवा देते हैं। बट पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो है वो कोरियर और पैसे भिजवाने के लिए यूज होने वाले तरीके थे पुराने जमाने में, और उसको हम पोस्टेज जो डिलीवरी होती है। थोड़ी दोबारा बोलिएगा प्लीज सर वो जो हम कोरियर करते हैं तो डिलीवरी वगैरह आती है। जी। तो वो पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो है ना वो चीज़ है, ठीक है? और अब जो है हम इसको कोरियर के नाम से आजकल ज्यादातर जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वक्त हमारे पास कम है। यस इसके बाद बच्चों थैंक यू वेलकम। पेट फॉर लंच, मेरा ख्याल है इसके ऊपर रुकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। पेट फॉर टांगा फेयर, पेट फॉर टांगा फेयर, जी कहाँ जाना चाहिए आपके ख्याल में? पेट फॉर टांगा फेयर, हफ्सा आप क्या लिख रही हैं? ये टैक्स, हफ्सा जरा अनम्यूट कीजिएगा माइक, या फिर इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें मैसेज में कि आपने क्या लिखा है। पेट फॉर टांगा फेयर कहाँ कौन से कॉलम में लिखा जाएगा? तो मुझे लग रहा है आप कह रही हैं टैक्स, टैक्स का कौन सा कॉलम है मेरा बेटा? ये ले ऑप्शन दिखा दिए मैंने आपको, ये लीजिए कन्वेंस स्टेशनरी पोस्टेज एंड टेलीग्राम ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। ओके तो फिर क्या है करेक्ट आंसर? अच्छा ओके अच्छा ओके चलें ये फिर भी मुनासिब है आपसा, लेकिन कुछ लोग ना इसको कार्टेज कह रहे हैं, पता नहीं क्यों, मेरी समझ में नहीं आई ये बात। जबकि मजे की बात है हमारे पास इस क्वेश्चन में कार्टेज का कॉलम भी नहीं है, जरा देखिएगा
हमारे पास इस क्वेश्चन में कार्टेज का कॉलम भी नहीं है, बट वो कार्टेज कहने पे तुले में पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही मेरे। अच्छा, और अगर कोई बोले इसे ट्रैवलिंग, तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है ऐसे इंसान पर, क्या ख्याल है? शुक्रिया अब्दुल्ला शाहिद साहब आपके बताने का। कार्टेज जो है वो सामान को लाने ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह यूज होता है वर्ड, ठीक है। और ये जो टांगा फेयर है, ये टांगे में इंसान सफर करते हैं, सामान सफर नहीं करता, ठीक है। तो टांगा फेयर जो है वो बेसिकली कन्वेंस में आना चाहिए, क्लियर। देखिए बहुत सारे लोगों ने कन्वेंस जवाब दिया है, ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अप टू मार्क हैं, बट फ्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे थे सर कार्टेज, तो कार्टेज तो पहली बात है ही नहीं यहाँ पर, ठीक। कार्टेज होता भी तो ये उसमें नहीं आ सकता, बिल्कुल ये हॉर्स वाला है सर, कहा नहीं साहब ये हॉर्स वाला है, लेकिन हॉर्स वाला जो है वो आपको मैं बताता चलूँ बड़े अदब से, ये बात सर ये जो टांगा होता है ना इसमें सामान लोड करके नहीं घुमा जाता, इसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। और वो जो सामान लोड करके चलने वाला होता है ना वो घड़ा गाड़ी होती है, ये घोड़ा गाड़ी कहलाती है टांगा, सही है सर? और क्लियर करो मजीद बेटा, मेरा बच्चा टांगे पे जो है ना एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाते आमतौर पर, टांगा छोटे सफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। टांगे में ना लोग घूमते हैं मेरा बच्चा, अगर आप कभी पाकिस्तान के टूर पे गए हो तो आपने मुख्तलिफ शहरों में देखा होगा टांगे में लोग घूमते हैं, सामान जो है वो गधा गाड़ी के ऊपर उठाया जाता है, ठीक है आई थिंक जी। शुक्रिया शुक्रिया, आगे बढ़ता हूँ, अगर अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, छोटे मोटे काम के लिए अक्सर जाते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं तो इसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, पेड फॉर रेवेन्यू स्टैम्प्स। ये रेवेन्यू स्टैम्प्स क्या है? नहीं तारिक आजम साहब, अभी आपका इंतजार हो रहा था, आप आ गए ना, आप अटेंडेंस ले लेते हैं। उफ मेरे खुदा, आज 47 स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ क्लास में, ऐसा कैसे हो गया? तनिषा आपकी आज पहली क्लास है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तनिषा प्लीज अनम्यूट योर माइक बेटा। तनिषा कैन यू हियर मी? ओके बेटा, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है कुछ? अच्छा, तो आप इतना लेट हैं, आप किस तरह से कवर करेंगी पुरानी चीजों को? और आपके एडमिशन हुए हुए भी इतने दिन हो गए, बट आपने आज मेरी क्लास को ज्वाइन किया, इसकी कोई खास वजह? महाम आर यू देयर बेटा? महाम इनसे नंबर ले लिया तनिषा को, तनिषा को ग्रुप में ऐड कर दीजिए प्लीज। अच्छा वो तो थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू आता है तो आवाज हो जाती है खराब, आपके एंड पर मेरे एंड पे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जूम पता नहीं ओपन ही नहीं होता, ओके। तो बेटा आप जूम किस तरह चला रही हैं मुझे थोड़ा समझाएंगी आप प्लीज? अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकें तो जरा जल्दी बात हो जाएगी, वरना मुझे टाइम लग जाएगा। या आप फिर एक काम कीजिए, व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना हुआ है, अपना नंबर आप महान को शेयर कर लें गूगल क्लासरूम पे, तो महान जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देंगे, फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा प्लीज, तनिषा के नाम से एक मैसेज, अपने नाम नंबर से एक मैसेज कर दीजिएगा सर, तो फिर मैं आपसे बात करूंगा कि आप जूम कैसे यूज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी हमारे पास टाइम कम होता है क्लास में, ठीक है। तो मैं, अच्छा आप ऐड कर चुके हैं माम? माम थैंक यू सो मच बेटा। तनिषा आप ग्रुप में ऐड है माम? मैं, मेरा भी नंबर ऐड हुआ है, ठीक है, अकाउंट्स के ग्रुप में आप ऐड हो चुकी हैं, माम हम कह रही हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक मैसेज कीजिएगा मुझे, ताकि फिर मैं आपसे बात कर सकूँ कि आप किस तरह से जूम यूज कर रही हैं, और मैं फिर आपको गाइड कर सकूँ। और प्रीवियस लेक्चर्स के लिए क्या प्रोसीजर होगा, कैसे पढ़ेंगी, क्या तरीका होगा, मैं गाइड कर दूंगा। बहरहाल क्योंकि आज आपका फर्स्ट लेक्चर है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये पॉइंट समझ आएंगे, लेकिन इसके बाद कोशिश करेंगे कि जो आगे लेक्चर हो, नेक्स्ट टॉपिक हो हमारा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम इन्वॉल्व करें। लेकिन आप बहुत लेट हो गई हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से खुद भी जानती हैं। हम 2 SLOs तकरीबन ख़त्म करने वाले हैं, यानी 40% ऑफ द कोर्स, 40 to 45% ऑफ द कोर्स इज गोइंग टू बी फिनिश्ड, सही है। तो अब इसको किस तरह कवर करना है, यकीनन जब आप AKUEB में आई हैं तो आप
आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो आपने इसको किस तरह से हैंडल करना है, मैं उसमें आपको हेल्प करूंगा, असिस्ट करूंगा, बट अगर आप खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगी तो डेफिनेटली मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलें अब हम बाद में बात करेंगे आपसे। जनाब इसके अलावा कौन आ गया भाई? रिजा सर की आवाज आ रही है। हाँ जी फरमाइए। जी सर, मैं एक दो लाइन कह दूँ इसकी डेफिनेशन में, आप प्लीज मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जी, तो जी. कार्टेज हम उसको बोलते हैं कि कोई भी इस तरह की एनिमल सॉर्ट ऑफ राइड होगी, मगर वो उस पर्पस के लिए होगी कि सामान को ले जाने के लिए। यस, और कन्विंस इसको कहते हैं कि कोई ऑटो रिक्शा हो गई या कोई गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज जिसमें इंसान छोटी मोटी या बिजनेस के एम्प्लॉइज ट्रेवल करते हैं। जी, और ट्रेवलिंग उसको कहेंगे कि प्रॉपर एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क और ऐसे। जी मोस्ट प्रोबेबली एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए ट्रैवलिंग का वर्ड बेहतर है, बट जब एक शहर से दूसरे शहर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो वहां पर भी ट्रैवलिंग का वर्ड यूज होता है, जैसे लाइक यहां से लाहौर जाना हो, ठीक है, तो लाहौर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से कोई करीब के शहर जाए, जैसे कराची तो इतना बड़ा है, आपको पता होगा कराची ऑलरेडी इतना बड़ा है कि अगर आप दूसरे शहरों को देखें, ठीक है, तो वहाँ पर एक मतलब हाफ एन आवर में आप पूरा शहर घूम लेते हैं। हमारे यहाँ तो एक इस कराची में ही आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपको एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे लग जाते हैं जाने में। तो बहरहाल इस डिबेट को हम आगे रखते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही डिफाइन किया, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ रहा हूँ। वॉलेंटियर्स, अच्छा तनिषा आप सुन लीजिए कि जब मैं कहूँगा कि अटेंडेंस मार्क करनी है तो आपने यस सर लिख के भेजना होगा, ठीक है, जब मैं आपसे कहूँगा अटेंडेंस मार्क करनी है तो आपने यस सर लिख के भेजना होगा, क्लियर। अच्छा तो सबसे पहले तो मेरे जो वॉलेंटियर्स हैं क्लास के, वो लोग अटेंडेंस मार्क कर दें ज़रा प्लीज़। वॉलेंटियर्स जो हैं, महक आदिल, महम नदीम, फातिमा जहरा, अक्सा, जहरा कैजर, अली मोहम्मद नहीं है आज क्लास में हैं, और अबीर साहब। अबीर साहब सो रहे हैं? अबीर आर यू देयर? अबीर कैन यू हेयर मी? अबीर बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक अबीर जो है वो क्लास में नहीं है। ओके, तो अब देख लें कि अबीर जो है वो वॉलेंटियर्स को भी नजर आ रहे हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी देख लें कि वो क्लास में इस वक्त नजर आ रहे हैं, बट जब वो अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे तो चाहे वो वॉलेंटियर हो चाहे कोई भी हो, फिर वो एब्सेंट मार्क होते हैं, ये सब लोग समझ लें। देखें इस वक्त उनका यस सर मेरे पास नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये बात मैं बड़े अदब से सबको बता रहा हूँ पूरी क्लास को ना, कि फिर ऐसी सूरत में आप ये मत समझें कि मैं आपको अटेंडेंस मार्क करूंगा आपकी यस सर, बिल्कुल भी नहीं करूंगा आपको, मैं एब्सेंट मार्क करूंगा। इसी तरह जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ तो आपका रिप्लाई करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे इट मीन्स आप एब्सेंट हैं, ठीक है। अच्छा तो मेरा ख्याल है कि हम ओके जी, रेस्ट ऑफ द क्लास यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। ओके जी, आई थिंक क्लास ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है, तो बस अब हम जो है इस क्वेश्चन को खत्म करने की तरफ लेके जा रहे हैं। रेवेन्यू स्टैम्प्स का आइडिया है एनी स्टूडेंट हु कैन एक्सप्लेन रेवेन्यू स्टैम्प्स? अच्छा जी, राविया हुमैर सो के उठ गई, शास उठ के सो के उठ गए, है ना, आप लोगों को पता ही नहीं अटेंडेंस मार्क हो रही है, और जब मैं आगे बढ़ गया हूँ तो अब आप जो है मुझे अटेंडेंस मार्क करवा रहे हैं, यस सर लिख के भेज रहे हैं। शहीर भाई आप भी सो रहे थे आई थिंक। अच्छा जी,
ओके तारिक आजम, नो प्रॉब्लम सर, आप पहले से हैं इशाद साहब, मैंने कब कहा कि आप नहीं हैं पहले से, बट जब मैंने कहा कि अटेंडेंस मार्क करें तो अटेंडेंस मार्क कर दिया गया उसी वक्त। ओके तानिम, थैंक यू सो मच, आपने रेवेन्यू स्टैम्प्स को डिफाइन किया। स्टैम्प्स यूज टू कलेक्ट टैक्सेस, स्टैम्प की वैल्यू होती है इन रुपीस। और तानिम साहब कह रहे हैं डॉक्यूमेंट मेल करते वक्त स्टैम्प एस फीस लगाते हैं, और रेवेन्यू स्टैम्प इज यूज टू कलेक्ट टैक्सेस और फी, रेवेन्यू स्टैम्प्स आर एडेड टू प्रोडक्ट्स और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू सिग्निफाई पेमेंट ऑफ अ फी। अच्छा जी तारिक आजम साहब, आपने यस सर लिख के भेज दिया तो ठीक है, वरना मेरी कोशिश होगी कि अगर आप मेरे साथ पूरी क्लास में रहते हैं और नेक्स्ट क्लास में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, डोंट यू वरी, बट आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए मैक्सिमम क्लास में, राइट? अच्छा जी, यस एग्जैक्टली अब्दुल्ला शाहिद साहब, ये स्टैम्प कलेक्शन जो है हॉबी भी होती थी, अब तो खैर ये हॉबी नहीं रही, अब तो हॉबीज ही लोगों की बदल गई हैं। बहरहाल बिल्कुल सही डिफाइन किया रेवेन्यू स्टैम्प्स क्या है, बहुत सिंपल वर्ड में कह रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम चीज़ों को सिंपल रखें तो बेहतर रहेगा। जब हम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए डॉक्यूमेंट्स को मेल करते हैं, देखें आप जब TCS वगैरह के जाके जरिए मेल करते हैं ना, तो वो आपसे चार्जेस लेते हैं और आपको एक स्लिप बनाकर दे देते हैं सिंपल, ठीक है, वहाँ से आप फ्री में कोई भी चीज़ मेल नहीं करते। बट जब आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर आप उनसे पूछते हैं कि जी मुझे ये डॉक्यूमेंट यहाँ इस शहर भेजना है, तो वो आपको बताते हैं कि इस पर इतने रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प लगेगी, यानी इसके ऊपर आसान उर्दू में कह रहा हूँ, इस पर इतने रुपए का एक टिकट लगेगा। जैसे आप जो है खैर ये सब चीज़ें ना अब वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये थोड़ी सी ऑब्सोलीट चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो कि अब इस वक्त मौजूद नहीं है, यहाँ आप यूँ कह लीजिए कि हमने तरक्की कर ली एक तरीके से, तो वो चीज़ें नज़र नहीं आती हमें तो। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर थोड़ा सा बाहर के मुल्कों में चले जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि जी आप ट्रेन के लिए जब सफ़र करते हैं तो आप वहाँ से टिकट परचेज करते हैं, वो टिकट आपके पास होता है, किसी भी वक्त जो है वो आके जो है इंस्पेक्शन अथॉरिटी उसको चेक कर सकती है कि आपके पास टिकट है, और यही टिकट्स आज हमारे पाकिस्तान रेलवे में भी होते हैं। इसी तरह जो बसेस कराची में चलती थी उसमें भी टिकट्स दिए जाते थे लोगों को, अब नहीं है, ठीक है। अच्छा आरिफ जरा प्लीज जल्दी आ जाइएगा, हाँ बिल्कुल होते थे, अब नहीं है, ठीक है। ग्रीन लाइन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ना वही वाली बात, देखें आप में से ना कुछ बच्चे ऐसे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट जो कि कहेंगे सर ये बस में तो मैंने कभी सफ़र ही नहीं किया, तो टिकट तो बहुत दूर की बात है, क्या ख्याल है? मम्मी डैडी प्लीज तो हर जगह होते हैं ना बेटा, तो इसलिए इसको ज़रा इत्मीनान से सुनने बस लीजिए कि देखें रेवेन्यू स्टैम्प्स जो हैं बेसिकली वो क्या हैं, वो जब आप डॉक्यूमेंट मेल करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को मेल करने की फीस, अ टाइप ऑफ टैक्स जो आप गवर्नमेंट, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस क्या है, गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का एक इदारा है, आप उसको पैसे पे करते हैं, तो जब आप उसे पैसे पे करते हैं आपका खर्चा है, और रेवेन्यू स्टैम्प्स बेसिकली क्या है, मेल करने का खर्चा। अब्दुल मुईस प्लीज अनम्यूट योर माइक, क्योंकि आप कंफ्यूज तो मैं आपसे ही पूछूंगा, रेवेन्यू स्टैम्प्स को किस कैटेगरी में जाना चाहिए? जी वो TCS चार्जेस लेके फिर उसे खुद पे करता है, ठीक है जी बिल्कुल। यस सर जी, क्या आप इस किस कैटेगरी में आप इसको चार्ज करेंगे रेवेन्यू स्टैम्प्स को? मैंने रेवेन्यू स्टैम्प्स, हाँ पूरा बैकग्राउंड बताया ना मैंने इसका, क्या समझ में आया रेवेन्यू स्टैम्प्स क्या होती है? जी अब्दुल मुईज़, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। ओके जी मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ, पेड फॉर रेलवे टिकट्स, तो अब यहाँ रेलवे टिकट्स हैं, कहाँ जाने चाहिए बताइए, शाबाश, ठीक है वेरी गुड, मेजॉरिटी जो है वो एक जैसा जवाब दे रही है, ट्रैवलिंग। पेड फॉर इंक एंड पेंसिल्स, पेड फॉर इंक एंड पेंसिल्स स्टेशनरी, ओके। पेड फॉर रूल पेपर्स, ये भी स्टेशनरी है, ओके। पेड फॉर डिनर, ये हमारा एंटरटेनमेंट है, बस ये तमाम एक्सपेंडिचर को यहाँ लिखा गया है, तमाम पेमेंट्स को यहाँ लिखा गया है, आपके सामने तमाम पेमेंट्स मौजूद हैं, मैं इस पर मज़ीद टाइम नहीं लगा रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने तो यस्टरडे शेयर भी करवाया कि उन्होंने ये पेटी कैश बुक बना ली अपनी नोटबुक में, ठीक है, और उन्होंने इसको बैलेंस भी किया बिल्कुल इसी तरह, तो ये देख रहे हैं आप
हर कॉलम का टोटल हमारे पास आ रहा है इस तरह। मुझे ये बुक बनाने से फायदा क्या होगा, थोड़ी सी इस बात को समझिएगा। देखें कुछ बातें ना वो पेपर में ना लिखनी होती हैं ना वो किसी को बतानी होती हैं, बट जब वो हम खुद समझ लेते हैं तो हमें उस टॉपिक की रीजन समझ आ जाती है कि हम ये कर क्या रहे हैं। मेरी बात समझिएगा सब लोग बहुत ध्यान से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी लाइफ में कि ना हम वो पेपर में एक्सप्लेन करेंगे ना वो हमसे कोई इंडिविजुअल पूछेगा। इट इज़ माइट बी पॉसिबल कि इंटरव्यूअर जो है वो आपसे कभी सवाल कर ले कि आप क्यों करते हैं ये काम, तो हो सकता है कि फिर ये मेरी बात आपको उस वक्त जो है वो बेनिफिशियल लगे। बट राइट नाउ आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे ना कि क्या मजाक है, जर्नल जर्नल अलग बनाया, अब फिर कैश बुक अलग बनाई, और फिर जो है अब सर पेटी कैश बुक अलग बना रहे हैं। चीज़ें इतनी बिखेर रहे हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफाइंग, तो अकाउंटिंग क्लासिफाई कर रही है चीज़ों को, तो अगर इस तरह से क्लासिफाई करते रहे तो पता नहीं कितनी बुक्स बन जाएंगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं बेटा मेरी बात गौर से सुनिए, अगर हम इस हर खर्चे को इंडिविजुअली रिकॉर्ड करें तो सोचें जर्नल जर्नल कितना बड़ा हो जाएगा हर खर्चा रिकॉर्ड। और ये तो छोटे छोटे खर्चे हैं सारे, दीज आर पैटी पेमेंट्स राइट। तो अगर हर खर्चे को इस तरह लिखते रहे जर्नल में एंट्री बनाते रहे तो उस जर्नल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उन तमाम पेमेंट्स को इंडिविजुअली जर्नल जर्नल में लिखने के बजाय एक बुक बनाई कॉल्ड जवाब नहीं आया अभी तक, पैटी कैश बुक। और इस नहीं कैश बुक नहीं सही था जहरा, पैटी कैश बुक बनाई मेरा बेटा। और इस पैटी कैश बुक में हमने उन तमाम पेमेंट्स को जॉट डाउन कर दिया। अब फायदा क्या होगा इस पैटी कैश बुक का, फायदा ये होगा कि हमें स्टेशनरी की हर इंडिविजुअल अमाउंट को अपने जर्नल में लिखने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट वन टाइम शो करेंगे कि स्टेशनरी का पूरे मंथ का एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, बताइए। जी 1230 रुपीज। इसी तरह हम कहेंगे कन्वेंस का पूरे मंथ का हमारा एक्सपेंस है 400 रुपीज। हर हेड का पूरे मंथ का एक्सपेंस हमें वन टाइम में पता चल जाएगा, और बजाय हर छोटे छोटे खर्चे को लिखकर अपने जर्नल जर्नल को ख़राब करने के बजाय हम उसे समराइज्ड करके एक नाम से लिख लेंगे। जी स्मॉल एक्सपेंसेस जो होंगे, देखें ये खर्चे बड़े लेवल पर भी तो हो रहे होंगे ना, ऐसे थोड़ी है। ओके जी अमल, तो आपने अटेंडेंस मार्क कर दी थी, कितनी देर हो गई आपको, आपने लेफ्ट किया और रीजॉइन किया तो आपने अटेंडेंस मार्क। जी सर मैंने अटेंडेंस मार्क की थी, मैं बस अभी एक सेकंड पहले लीव किया था। ओके चलें, बहरहाल अभी ये लास्ट मिनट है तो हम अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग रीज्वाइन कीजिएगा मीटिंग को, सही है। अच्छा नहीं बेटा अक्सा, इसमें थिंक वाली बात नहीं है, इसमें यह है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। अगर किसी बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बड़ी पेमेंट्स सही है, लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ रिसीव हो रही हैं, तो फिर हम उसके लिए कैश बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है। और देखें आपका काम इस वक्त मैनेजेरियल लेवल का नहीं है, आप तो अभी बहुत इनिशियल लेवल पर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, तो आपने अभी बुक्स को बनाना सीखना है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब